हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे PEGS 183 राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स। ओके, तो इसमें ना टोटल ब्लॉक 3 है और जो सब्जेक्ट का क्रेडिट है वो है 4। तो हम यूज़ सोच सकते हैं कि जो इसका एग्जाम है वो 2 आवर्स का होगा। मार्क्स अभी शायद उसके डिसाइडेड नहीं है, बट 70% मार्क्स वो 50 का ही आएगा। 75 का आ सकता है, बट 100 का वो मुश्किल आएगा। और ना वो 100 मार्क्स थोड़ा डिफरेंट होगा। अभी इसमें कुछ न्यूज़ नहीं आई है कि किस मार्क्स का होगा, क्योंकि इसमें हमारा कोई प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो लेकिन 100 मार्क्स का मुश्किल होगा, या तो फिर वो 2 आवर्स का होगा। ओके, तो वो हमें कल पता चलेगा, क्योंकि ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है इस पे। तो इसमें हमारे टोटल 3 ब्लॉक हैं, जो कि बहुत इजी हैं, ठीक है। और मैं आपको ना हर ब्लॉक के और हर यूनिट के एंड में बता दूंगी कि इस यूनिट में आपको पर्टिकुलर करना क्या है, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत टाइम बचेगा और आपको पता होगा कि ओके, मुझे इस यूनिट में इस चीज़ पर ध्यान देना है, ताकि आप जो अननेसेसरी थिंग्स हैं उनको आप लीव कर सकें और अपना टाइम बचा सकें। एक एक बात और गाइस, कि ना आप ये वाली बुक एक बार रीड कर लें पूरी, मतलब उसको ना आप मिस ना करें, क्योंकि अभी हमारे पास 3 डेज है। क्या करना, आप आज ना इसको रीड कर लो, ठीक है। 2 दिन है उसके बाद, जो 2 दिन में आपको करना है वो करना है, जो भी इसमें फॉर्मेट्स हैं। ओके, इसमें ना मोस्टली फॉर्मेट्स ही हैं, किस तरह से नोट मेकिंग करनी है, किस तरह से पैराग्राफ करना है, किस तरह से हमें आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो वो है, तो हम देखते हैं कि इसमें फर्स्ट ब्लॉक में 3 यूनिट है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों यूनिट में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन 1, स्ट्रैटेजीज फॉर रीडिंग क्रिटिकली, पेज नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 2, थिंकिंग क्रिटिकली एज अ राइटर, पेज नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सॉरी यूनिट 1 में क्या है, आपको जो दो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो, और चेक योर प्रोग्रेस, आपकी यूनिट 1 पूरी तरह से कवर हो जाएगी। ओके, देन हम देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2, एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, पेज नंबर 17। कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन वर्ड्स, इनकी ना आपको पास शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, कि इनके शॉर्ट नोट्स लिखिए 5 to 10 मार्क्स में, पेज नंबर 19। अब यूनिट 2 में आपका क्या है, सजेस्टेड टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया, और चेक योर प्रोग्रेस, इससे आपकी यूनिट 2 कवर हो जाएगी। ओके, देन हम देखते हैं यूनिट 3। 3.2, अंडरस्टैंडिंग फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, पेज नंबर 34। प्रोबेबल हार्ड स्पॉट्स फॉर ईयर, देन 3.5, पंचुएशन, पेज नंबर 45। ठीक है, इसमें से आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें से आपको यहाँ पे बताना होगा कि कहाँ पे पंचुएशन कौन सी लग रही है, जैसे यहाँ पे कोमा लग रहा है, यहाँ पे ये लग रहा है, तो पंचुएशन से ना पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको इसकी सारी पंचुएशंस बता रखी हैं, उसके बाद ठीक है, कौन सा मतलब एपोस्ट्रोफी कहाँ पे यूज होता है, डैश कहाँ पे यूज होता है, हाइफन कहाँ पे यूज होता है, और आपको ऐसे यहाँ पे एग्जांपल दिए, पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। देन है हमारे पास ब्लॉक 2, ठीक है। ब्लॉक 2 में सिर्फ हमारा ना राइटिंग पे हमें ध्यान देना है, और किस तरह से हमें पैसेज और वो लिखना है उस पर हमें ध्यान देना है। तो हम देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4, द बेसिक ऑफ राइटिंग, इसमें बताया कि हम किस तरह से अच्छी सी राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ना बस इसको गो थ्रू करना है, यहाँ से इंट्रोडक्शन और हाउ राइटिंग हेल्प्स, ये सिर्फ आपको रीड करना है अच्छे से, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, दैट इज प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, ठीक है। इस जो टॉपिक है, इसके 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो वो आपसे डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि ये जो स्टेप्स हैं ये बताइए सीधा, ठीक है, डायरेक्टली वो आपसे पूछेगा कि स्टेप्स लिखिए, या तो वो आपसे ये पूछेगा कि प्रोसेस अप्रोच जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको यूज करते हुए एक आर्टिकल लिखिए या एक कंपोजिशन लिखिए, ठीक है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये जो वाला क्वेश्चन टॉपिक है ये आने के चांसेस है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस पूरी यूनिट में। तो फिर आपको ये अच्छे से याद करना है, और आप ये याद कर लेंगे ना, राइटिंग अ प्लान, राइटिंग अ ड्राफ्ट कैसे करते हैं, तो आप कंपोजिशन ईजिली याद कर लेंगे। तो ज्यादा फोकस आप थ्योरी में रखिए कि क्या आएगा क्या आएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको कोई टॉपिक मिलता है ना, तो आप उसको अच्छे से, आर्टिकल तो ऑब्वियसली हमको लिखना आता ही है, तो हमको ये पता होना चाहिए, अगर हमारे पास थ्योरी का क्वेश्चन आए तो हम वो ईजी कर लें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, पेज नंबर 61। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। यूनिट 5, डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। अब जो हमारा एक सब्जेक्ट था पहले, अगर आपने वो पढ़ा हो कम्युनिकेशन स्किल्स वाला, उसमें ना ये पैराग्राफ हमें दिए हुए थे, जैसे कि, तो गाइज सेम, ठीक है, इस यूनिट में जो आपको मैंने टॉपिक्स बताए वो, और चेक योर प्रोग्रेस, आप चेक योर प्रोग्रेस प्लीज स्किप ना करें, क्योंकि हमने पहले वाले एग्जाम में भी देखा है कि चेक योर प्रोग्रेस में से ना इसी टाइप के क्वेश्चन जैसे इसमें होते हैं, उसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं और चेक योर प्रोग्रेस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना, तो नो डाउट आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये वाली यूनिट हमारी फिनिश हो गई है, देन हम देखते हैं यूनिट 5। देन वी हैव यूनिट 5, डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। अब हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें इस यूनिट का, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, वट इज पैराग्राफ, डेवलपिंग अ टॉपिक, हम टॉपिक किस तरह से चुनेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ किस तरह से हम लिखेंगे, क्या क्या उसके वो हैं टाइप्स, बायोलॉजिकल, नरेटिव, प्रोसेस, ठीक है, और टाइप्स ऑफ पैराग्राफ किस तरह से, कौन से इलस्ट्रेशन वाले होते हैं, कौन से डिस्क्रिप्शन वाले होते हैं, ठीक है। ये हमने कम्युनिकेशन एंड वो वाले उसमें भी पढ़ा था, मुझे उसका कोड रिमेम्बर नहीं है अभी, ठीक है। तो हमें इसमें ये पता चल रहा है कि हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है राइटिंग में। अब पैराग्राफ, अगर हम ये देख लेते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग का जो स्ट्रक्चर क्या है और टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, ठीक है, तो हमारा ये वाली यूनिट बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे पढ़ना है।
5.2.1 कोहेरेंस एंड कोहिजन, ये दो टॉपिक है, इसमें हमारा ना वो आ सकता है शॉर्ट नोटिस. ओके, देन है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पैराग्राफ. इसमें आपको टाइप्स दे रखे हैं, जैसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, बायोग्राफिकल राइटिंग. इसमें आपको ये देखना है कि किसका क्या पैटर्न है. उसके बाद अगर कोई आर्टिकल आता है तो आप लिख सकते हैं, है ना. तो आप इसमें ये देखना है कि इसमें कैसे लिखते हैं. ओके, बिगनिंग, गोइंग टू द नेक्स्ट, अंटिल कम द नेक्स्ट इवेंट, मेथड, किस तरह से आप उसको डिस्क्राइब करोगे, ठीक है. ये तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे दूसरा भी टाइप है नरेटिव. तो इनमें आपको पूरी डेफिनेशन याद नहीं करनी है, प्रोसेस में क्या लिखते हैं. प्रोसेस में होता है जब हम प्रैक्टिकल वैसे इसमें आते हैं. तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि किस में किस टाइप से होता है. अगर आप थ्योरी आएगी तो आप थ्योरी भी लिख पाएं, और अगर आपका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप वो भी लिख पाएं. अब हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ पैराग्राफ पेज नंबर 78. तो आपको अगेन इसमें ये देखना है, जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन 5.4.1, और यहाँ पे फिर है डिस्क्रिप्शन पेज नंबर 79. अब इनमें आपको इनका स्ट्रक्चर देख लेना है कि अगर आपका एग्जाम में आता है कि डिस्क्रिप्शन को लेते हुए इस मेथड से एक आर्टिकल या पैराग्राफ लिखिए, तो आपको इसी का स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है. अगर आपको इलस्ट्रेशन का आता है तो आपको इसी का स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है. तो देखिए, अगर थ्योरी पढ़ने का एक फ़ायदा है, अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आप थ्योरी तो लिख सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि वो तो आपने पढ़ी है. साथ ही अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है आप वो भी लिख सकते हैं. अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ते हैं कि दी मैं आर्टिकल की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ओके, अगर आपका सिर्फ प्रैक्टिकल आएगा तो आप अच्छे से करोगे. लेकिन अगर आपका उसी टाइम पर थ्योरी का आता है कि सिर्फ इसके मेथड्स के पॉइंट बताइए, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी. तो इससे अच्छा आप थ्योरी अच्छे से करें, और आर्टिकल के मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी कि अगर पैराग्राफ या कुछ भी आपके एग्जाम में आता है ना, तो आप एक अच्छी सी वोकैबुलरी सीख लें, कुछ अच्छे वर्ड्स आप ऐसे सीख लें, और टिप्स देख लें कि आर्टिकल लिखने की क्या टिप्स होती है, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी. इस दो जो इन ब्लॉक टू की जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है ना, इनमें आपको मेन आर्टिकल राइटिंग, नोट मेकिंग है. तो इनमें ना आपको ये ध्यान रखना है कि क्या उनका पैटर्न है और कैसे वो लिखना है. और इनमें से ये 5 to 10 क्वेश्चन आ सकते हैं इस, मतलब 5 to 10 मार्क्स के. तो ये आपको ईजिली हो जाएगा, बस आपको इसमें अपनी राइटिंग स्किल्स बढ़ानी है, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है, चेक योर प्रोग्रेस सारे करने हैं. अब यूनिट 6 पे हम देखते हैं राइटिंग का कंपोजिशन, ठीक है. अब हमने देखा पहले कि राइटिंग का पैराग्राफ कैसे होता है, अब इसमें देखेंगे कंपोजिशन कैसे होता है. अब उसमें कितने कितने टाइप हैं, दिस दिस, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, ये इसमें टाइप्स हैं. देन यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह से हम उसको फॉर्म करें, टिप टॉपिक कैसे फॉर्म करें, टॉपिक को लिमिट कैसे करते हैं, उसको जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे अरेंज करें, और कंस्ट्रक्टिव और आउटलाइन, मतलब उसकी जो एक समरी का जो एक पूरा ओवरव्यू है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें, ये आपको सब कुछ इसमें सीखना है, ठीक है. तो आप अगर ये पढ़ लेंगे ना, तो आर्टिकल या फिर कुछ भी आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा एग्जाम में कि इसके ऊपर एक कंपोजिशन लिखिए, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा अगर आपको इनके स्ट्रक्चर बताऊंगे, ठीक है. तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट है एक्सपोजिटरी 92, देन नरेटिव है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है. अपना स्टेप्स टू डू बिफोर राइटिंग योर कंपोजिशन, ठीक है, ये है पेज नंबर 94. अब इसमें आपको ये याद करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसकी थ्योरी आती है तो ये आपको पूरे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे. पहला स्टेप, देन ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये इसके सारे इसमें पॉइंट्स हैं. और अगर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कि एक राइटिंग, एक कंपोजिशन लिखिए, तो आपको ये स्टेप्स बहुत हेल्प करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ओके, पहले लिमिट टॉपिक, या पहले डिसाइड करना है टॉपिक, और इन्फॉर्मेशन जो हमने हर जगह से हमने माइंड में सोची है उसको कैसे एक आंसर में प्रेजेंट करना है, ठीक है. तो आपको फिर आइडिया होगा. तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, तो आप जो ये पॉइंट्स है ना, ये लर्न कर लें, और जो इसके चेक योर प्रोग्रेस इसमें 2 to 3 आपको कंपोजिशन दिए हुए हैं उनका प्रैक्टिस कर लें, तो ये कंपोजिशन वाला टाइप और ये पार्ट और ये यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी. अब हमारे पास यूनिट 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग. इसमें सबसे पहले क्या है, फिलिंग फॉर्म्स, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, डायरीज, डायलॉग्स, लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स. तो गाइज आपको ना ये सारे याद करने, क्योंकि इनमें से कुछ भी आ सकता है, बट द मेन थिंग इज कि आपको फॉर्मेट किस में याद करना है. अब देखिए, मैं आपको ऐसी चीज़ बताती हूँ जो आप सिर्फ दो क्वेश्चन कर लिए चेक योर प्रोग्रेस की, और आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा. डायरीज, डायरीज क्या होता है, हम जैसे लिखते नहीं, बहुत स्टूडेंट्स लिखते हैं अपनी दिन दिन चल रहे हैं, लाइक अपना पूरा डे कैसे, जैसे आजकल व्लॉग्स बनते हैं कि हाउ आई स्पेंट माय डे, तो ऐसे ही ना बहुत लोग लिखना पसंद करते हैं. तो वो अपनी डायरीज में लिखते हैं कि आज मैं ऐसे करा, आज मैं यहाँ पे गई, वहाँ पे गई, वो उनकी पर्सनल डायरी होती है, उसको कहते हैं डायरी. ये आपके हो गया डायलॉग्स. अगर हमको कोई कन्वर्सेशन आती है कि इस और इसके बीच में डायलॉग लिखिए, तो हम इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपनी रियल लाइफ में वो कन्वर्सेशन सुनी होगी, चाहे वो टीचर या स्टूडेंट के बीच में हो, डॉक्टर या पेशेंट के बीच में हो, तो वो हम लिख सकते हैं. ओके, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर सिंपल ये है, आपको ना एक पैराग्राफ ऐसे दिया जाएगा और उसमें से आपको बोलेगा कि ये इन्फॉर्मेशन है, अब आपको इसको एक पैराग्राफ में लिखना है. मतलब यहाँ पर ना आपको एक टेबल दी जाएगी, उसमें इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, और वो बोलेंगे कि इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करो. ईजी है, बहुत ईजी हो जाएगा, कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूंगी इसका. फिलिंग ऑफ फॉर्म्स,
फॉर्म फिलिंग ये भी हो जाएगा, इसका क्वेश्चन आना वैसे थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ये आप पढ़ लेंगे एक बार तो हो जाएगा। लेटर्स का आपको एक फॉर्मेट याद करना है ईमेल्स का, और रिपोर्ट भी आपकी हो जाएगी, वो मैं आपको बहुत ईजिली बता दूंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट 7 में ईजिली हो गया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास फिलिंग ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, दिस इज अ कॉमन एक्टिविटी विच वन ऑफ अस हैज़ टू डू इन अवर डेली लाइफ, वेदर इट इज़ टू सीक एडमिशन इन स्कूल, हम एडमिशन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, सबने फॉर्म भरे होंगे, आपने इग्नू के लिए भी फॉर्म भरा होगा, जो हमने एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरा है, असाइनमेंट्स के लिए हम गूगल फॉर्म भरते हैं, तो वो भी एक तरह से फॉर्म भरना ही होता है। ठीक है, और यही भी आपने बताया हुआ है, बट आप इसको सिंपली रीड कर लें। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर वही, अब देखिए मैं इसका आपको सीधा एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे आप बिल्कुल वो हो जाएगा। अब ना यहाँ पे आपको दिया हुआ है टाइप्स ऑफ विजन प्रॉब्लम, ये इसके कितने टाइप्स हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, और ब्लर्ड विजन में कौन सा टाइप आता है, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अब इसमें पूरा दे दिया। अब यहाँ पे इसको हमको पैराग्राफ, लाइक ये हमारा इन्फॉर्मेशन है, अब हम इसको ट्रांसफर करना है पैसेज में, तो हमको ये लिख दिया। अब हम इसको इजीली लिख सकते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ दिस, इन दिस दिस हैपन, इन दिस दिस हैपन, इसको आराम से लिख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर आपको हो गया, अगर आपको एग्जाम में कोई भी आंसर आता है तो आप लिख सकते हैं, और अगर थ्योरी का आता है तो भी आप लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसे हम करते हैं। ठीक है, बहुत ईजिली हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके चेक योर प्रोग्रेस है, ये कर ले, हो जाएगा। देन हमारे पास डायरीज, अ डायरी इज अ पर्सनल रिकॉर्ड एंड हैंस डायरीज एंट्रीज आर यूजली इनवेलास्टिक एंड पर्सनल, वी डो नॉट राइट टू कम्प्लीट सेंटेंसेज। अब देखिए ये इसने खुद ही बोल दिया कि ये पर्सनल है, तो हर किसी की डायरी अलग अलग होती है। आप एग्जाम में अगर ये आता है तो आप किसी भी टाइप से लिखेंगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आप बस उस वो पूछेगा कि बताइए आज आप अपना कॉलेज का फर्स्ट डे था तो आपने क्या क्या फील किया, तो आप जानेंगे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया, ये करा ये करा, तो ये बहुत ईजी है डायरीज। आप बस इसका टास्क वन और टास्क टू कर लेना, ये ईजिली हो जाएगा। देन वी हैव डायलॉग्स, इसके आप एग्जाम्पल पढ़ लेंगे ना बहुत ईजिली, ये भी हो जाएगा। अब जो हमारा मेन है ना वो लेटर्स है, क्योंकि इसमें हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो कि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो टीचर मार्क्स काट लेता है। ठीक है, तो हम सीधा ये पढ़ लेंगे, आप रीड कर लेंगे, इसमें बस रीड करना है। ओके, तो हमें फॉर्मेट सबसे ज़्यादा मेन है, तो ये है फॉर्मेट, एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, हमने स्कूल में भी बहुत बार लिखा है, और स्कूल में बाय चांस हमें हॉलीडे चाहिए होती है, कॉलेज में भी अगर हमारा कुछ, जैसे बहुत लोगों ने सेंटर चेंज करवाने के लिए, एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करवाने के लिए है ना लिखा होगा, तो ये आपको बॉडी ऑफ लेटर, मतलब जहाँ पर मैं पूरा लिखती हूँ प्रॉब्लम, और ये सब्सक्रिप्शन सिग्नेचर, ठीक है, ये पूरा आपको लर्न करने लगा है फॉर्मेट। फॉर्मेट आपको ज़रूर लर्न करना है लेटर का, क्योंकि ये आ सकता है, आपको बोल दिया जाएगा कि राइट अ लेटर ऑन दिस। ठीक है, सिंपली आपको बस ये लेटर में ये फॉर्मेट याद करना है और कुछ याद नहीं करना। स्ट्रक्चर ऑफ इनफॉर्मल, अब ये जो था वो फॉर्मल, फॉर्मल मतलब जो आप ऑफिस, कॉलेजेस, स्कूल्स ऐसी जगह पे देते हैं जहाँ हमें एडिकेट्स फॉलो करने होते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ इनफॉर्मल करते हैं जो अपने दोस्त या किसी माता पिता या किसी अपने जो हमारा मतलब दोस्त, अच्छा दोस्त होता है उनको देते हैं, जिसको हम ना बहुत फ्रेंडली होते हैं बात करने में, वो होता है इनफॉर्मल। तो इसमें बस नेम, डेट, सैल्यूटेशन मतलब डियर फ्रेंड ऐसे, और ये, ठीक है, ये हो गया हमारा इनफॉर्मल। ये दोनों आपको बस याद करने हैं, इनके फॉर्मेट सिंपली और कुछ नहीं करना। एग्जांपल आपको यहाँ पे गिवन है, चेक योर प्रोग्रेस गिवन है, उसको रीड कर लें। अब हमारे पास ईमेल्स, ईमेल्स के तो हम बहुत यूज हो गए हैं जो भी इग्नू में पढ़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ईमेल्स आती हैं तो हमें पता ही चल गया कि ईमेल कैसी है। अब यहाँ पे हमारे वो दे रखा है एग्जांपल, डियर सर मैडम आई एम इन्फॉर्मिंग यू टू डिसअपॉइंट विद द रीसेंट डिसीजन। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट है, आप इसको याद कर लेंगे। अगर आपका एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि राइट अ ईमेल ऑन दिस दिस सब्जेक्ट, तो आप ये फॉर्मेट याद करके लिख देंगे, इसमें आपकी थ्योरी आना इतना चांस नहीं है, तो आप इसका फॉर्मेट याद कर लें सिंपली। अब आ गया हमारा ब्लॉक 3, जिसमें नोट मेकिंग, इसमें हम देखेंगे नोट मेकिंग और नोट टेकिंग और इसकी इफेक्टिव, इसमें जो हमको प्रॉफिट होता है और क्या इसमें अलग अलग मेथड्स हैं। यहाँ पे ना ये मैं इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हम फुल पोटेंशियल के साथ एक डिक्शनरी में जब वर्ड ढूंढते हैं तो किस तरह से हम एक अच्छे से ढूंढ सकते हैं, पेज नंबर 135। इसको बस आप एक बार गो थ्रू करना है आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए, अगर एग्जाम में आए तो आप लिख सकें। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्किमिंग एंड स्कैनिंग। ये तो आप बहुत इसको वो होगा, आपको पता ही होगा, पिछले जिसके पास भी इंग्लिश के सब्जेक्ट है उनको ये पता होगा, फिर भी आप एक बार इसको सिंपली रीड कर लें। देन स्टोरेज स्किल्स, इसमें ना दो टाइप की स्किल आती हैं, ये आपको पूरा वो नहीं है, इसमें दो है, नोट टेकिंग और नोट मेकिंग। तो यहाँ पे ना आपको एक डेफिनेशन दी हुई है, ये याद कर लें। ओके, और नोट मेकिंग क्या होता है, पूरा डेफिनेशन इसका आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, कैसे आप इसको डायग्राम में वो कर सकते हैं सब कुछ। और एक चीज़ और, आपका ना नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में डिफ्रेंशिएट एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें, जो आगे ना इसको पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है नोट टेकिंग और नोट मेकिंग को, तो आप वो पढ़ लें। तो ये ना इंपॉर्टेंट है स्पाइसमैन नोट्स, इसमें आपको बता रखा है कि किस तरह से आप एक नोट को ना बहुत, क्योंकि नोट्स होते हैं ताकि हम जितना छोटा सा छोटा लिख सकें वो उतना हमारे लिए अच्छा होगा, तो इसमें बता रखा है कि क्या क्या वर्ड यूज़ करके एरोज वगैरह हम नोट्स को छोटा कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे सब कुछ बता रखा है कि इज इक्वल्स टू, नॉट द सेम, इन लेस देन, तो हम ना
पूरा लिखेंगे नॉट इन लेस देन और सिंपली ये कर देंगे, हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा और हमको कम लिखना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे इनकी एब्रीविएशंस बता रखी है। नोट मेकिंग अगर आपके एग्जाम में आता है तो एब्रीविएशंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप जरूर यूज करें। उसके बाद यहाँ आपको सारी बता रखी है। उसके बाद यहाँ पे ना चेक योर प्रोग्रेस है ये भी कर लें। देन हमारे पास एक मेथड है कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड 9.7 पेज नंबर 164, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आप एक बार देख लें। तो गाइज यूनिट 10 में ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपको इसमें बताया कि नोट टेकिंग की क्या क्या टेक्निक्स हैं और किस तरह से अपना नोट्स टेकिंग जो है वो अच्छा कर सकते हैं। इसमें आपको पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, मोस्टली इसमें चेक योर प्रोग्रेस है, ठीक है, वो आप अच्छे से कर लेंगे तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ बताया हुआ कि डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स की वजह से हम कैसे नोट मेकिंग को ईजी बना सकते हैं। लास्ट यूनिट है हमारे पास मेकिंग इफेक्टिव समरीज। इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ इसमें जितने भी आपके चेक योर प्रोग्रेस हैं वो आपको करने हैं और इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें बताया हुआ है जैसे हम समरी लिखते हैं ना एक पैराग्राफ की, वो कैसे लिखे, बस इसमें और कुछ नहीं है। तो आप सिंपली इसके जितने भी चेक योर प्रोग्रेस है ना वो करने हैं। तो गाइस अब मैंने आपको एक चीज बता दी जिससे आपका जो ये वाला कोड है बहुत ईजिली हो जाएगा, रीडिंग स्किल्स ओके, और इसकी जो अप्रोचेज है हमने देखी थी, इसकी अप्रोचेज क्या है फर्स्ट में ये आपको करना है ओके। उसके बाद हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैंने आपको टिक करवाई हैं और बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कुछ बड़ी भी नहीं है, अगर आपके पास टाइम होता है तो आप सारी कर लें। उसके बाद हमारे पास थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है चेक योर प्रोग्रेस। अगर आप कुछ भी ना करके सिर्फ चेक योर प्रोग्रेस भी कर लेते हैं ना तो आई एम श्योर कि आपका जो 50% सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं पैराग्राफ, उसमें जो आपका ना पूरा उसका स्ट्रक्चर है कि किस तरह से आप एक पैराग्राफ लिखोगे वो। उसके बाद जब हमारे पास आते हैं लेटर्स वगैरह, उसमें लेटर्स जो हैं उसमें आप उसके फॉर्मेट याद करोगे, बस डेफिनेशन तो हम लिख ही सकते हैं, लेटर क्या होता है, उसको हम क्यों भेजते हैं, किस तरह से वो यूज़ आता है, कितना पुराना ये फॉर्म है और उसको फॉर्मेट को पैसेज में। और उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं नोट मेकिंग, नोट मेकिंग और टेकिंग इन उसके, और लास्ट हमारी जो यूनिट्स हैं वो इसी के ऊपर है। नोट मेकिंग अच्छे से कर लें, पूरी यूनिट नोट मेकिंग पे है, देन नोट टेकिंग पे, ठीक है। लास्ट हमारा जो है समरीज, उसमें कुछ नहीं करना, चेक योर प्रोग्रेस। और अगर आपके पास टाइम कम है तो सिर्फ और सिर्फ चेक योर प्रोग्रेस करें। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई एम श्योर उसमें से क्वेश्चंस सारे जो पैटर्न है उसी में से बनेंगे। और अगर आप जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ओके सारी चीज़ें और चेक योर प्रोग्रेस कर लेते हैं तो आप बिलीव करिए बहुत अच्छे आपके स्कोर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम वीडियो को खत्म करते हैं और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।